अलार्म भी ना कितनी जोर से बजता है। हाँ ये तो परमान के लिए बुलावा है। हाँ बोलो कौन है? परमान मेरी बात ध्यान से सुनो, बर्मा ने अभी एक मीटिंग रखी है। अच्छा ठीक है आता हूँ आता हूँ। निकल पड़ा ड्यूटी पे। आज मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि तुम्हें एहसास हो कि अपनी ड्यूटी पूरे होश हवास में करनी चाहिए। तुम सब दिन ब दिन आलसी होते जा रहे हो, खासकर मित्सुओ। तुम्हें तो मैं समझा कर थक गया हूँ। तुम मेरी बात सुन रहे हो क्या? हाँ ये तो जाओ, जाकर पहले मुंह धो कर आओ। आने से पहले कपड़े बदलना भी जरूरी नहीं समझा? वो तो मैं अब बहानेबाजी बंद करो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, समझे तुम मित्सुओ? अब जाओ जाकर मुंह धो कर आओ। पता नहीं ये कब सुधरेगा, है ना बर्डमैन? अब मुझे यार कोई नहीं देख रहा। तुम्हारे बालों को क्या हुआ? इसे तो अपनी ड्यूटी से ज्यादा फैशन की पड़ी है, देखो तो कैसे बालों को सहला रहा है। तेल लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आज हम समीरे के सपनों के राजकुमार के बारे में बात करेंगे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, वाकई बढ़िया। समीरे के सपनों के राजकुमार की सबसे खास बात ये होगी, याद है ना वो स्टाइल, बीच में मांग निकाल कर स्टाइल जेल से बाल एकदम चिपकू चिपकू बनाता है, बहुत अच्छा लगता है। अरे अरे वाह क्या बात है। अरे सुनती हो, मेरा शेविंग ब्रश कहाँ रखा हुआ है? अब मुझे क्या पता? पता नहीं कहाँ चला गया, हमेशा तो यहीं रखता हूँ, समझ में नहीं आ रहा। पापा अब से मेरे मित्सुओ ने अपना मुंह धोया था। अच्छा मित्सुओ ने? आज तो मैं चंप बन के जाऊंगा। मैं जा रहा हूँ। आजकल इस मित्सुओ को क्या होता जा रहा है, समझ में नहीं आता। आज तो मैं उसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी। हर कोई मेरी तरफ घूर के देख रहा है, लगता है मैं बहुत अच्छा दिख रहा हूँ। कब आओ ये बताओ, क्या तुम्हारे पापा के नकली दांत मिले? वो तो नहीं मिले। हाय साबू, हाय कबाव। अरे मित्सुओ तुम्हारे हेयर स्टाइल को क्या हुआ? क्या क्या हुआ है मेरे हेयर स्टाइल को? दरअसल बात ये है कि सुमीरे को मेरा ये हेयर स्टाइल पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा मेकओवर कर लिया। लेकिन मित्सुओ ये बताओ कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? जरा हमें भी देखो। अच्छा लगा? तो ये कैसा लगा, मिचिको ने तुम्हारी तारीफ की क्या? नहीं उसने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मुझे लगता है उसने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब यही होगा कि उसे अच्छा लगा होगा। ये क्या? ठीक है आगे आगे देखो होता है क्या। अब तुम मजे करो, हम फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखना, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय। ठीक है बाय बाय। दाल में कुछ काला है, ये यहाँ क्यों आई थी? मित्सुओ तो बिल्कुल बुद्धू है, उसे ये सब कुछ सच लग रहा है, वो कितना मजा आ रहा है मुझे। कबाव ने हमें फोन करके ये बताया है कि उसके पापा का खोया हुआ दांत मिल गया है और वो बहुत खुश है। इस बेवकूफ कबाव के बच्चे ने अपना नंबर मुझसे पहले लगा लिया, छोड़ूंगा नहीं इसे। अब सुमीरे के राजकुमार की पसंद के बारे में और बात करते हैं। सुमीरे को एक ऐसे स्पेशल राजकुमार का इंतजार है जो पैरों में बहुत ही सीधे साधे चप्पल पहनता हो। उसे बहादुर होना चाहिए, उसे घूमना पसंद हो, उसे त्योहार पसंद हो, और हाँ वो जीन्स भी पहनता हो, और उसके ऊपर एक ट्यूलिप भी होना चाहिए। मम्मा मित्सुओ को क्या हो गया? मित्सुओ आजकल तुम बहुत मनमानी करने लगे हो, क्या बात है? आहा, मुझे लगता है कि आज मैं बिल्कुल अच्छे से तैयार होके जा रहा हूँ। हाँ तुम ठीक कह रहे हो। पाको? हाँ तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। देखो वहाँ मिचिको आ रही है, जाओ से बात करो। शर्मा क्यों रहे हो, जाओ ना बात करो। हाय मिचिको कैसी हो? क्या मिचिको? अरे भागो मत, बताती तो जाओ कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा लगा तुम्हें। मेरे पास। अरे क्यों भाग रही हो, रुको ना। अरे मिचिको डर के भाग क्यों रही है?
हाँ क्या बात है, क्या हुआ? क्या कहा? कुछ बदमाश है? ओहो, बुलावा भी इसी वक्त आ रहा था, पर जाना तो पड़ेगा ही। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेस शुरू होने वाली है। अरे शुरू करते हैं। वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी हेलमेट पहनो। अरे अरे बचाओ मुझे, बचाओ! क्या कर रहे हो? गाली जा रहे हो मुझे? अच्छा, ये तो कमाल हो गया। वो सब बहुत स्पीड में थे, मैंने ये सब अपने कैमरा से देखा है। पाको प्लीज, तुम उन्हें समझाने की कोशिश करो कि हमने कुछ नहीं किया है। अब इसमें हमारी क्या गलती है? सुमिरे ने जैसा कहा था, हम बिल्कुल वैसे ही तैयार हो गए। अब मैं समझी कि असल में क्या हुआ होगा। तुम सब लोग क्या कर रहे हो? रुक जाओ। आखिर ये सब हो क्या रहा है? चलो बुगी। ओह, ये सब मित्सुओ के स्टाइल बदलने की वजह से हुआ है ना बुबी? अरे अभी ये क्या हो रहा है? ठीक तो हो ना दोस्त? अरे हम मित्सुओ को भूल ही गए, कहाँ है वो? मदद करो, कोई मेरी मदद करो प्लीज। मैंने खा लिया मम्मी, थोड़ा सा और खा लो मित्सुओ। नहीं, ये भी बहुत सारा होमवर्क करना है। चलो चलो जल्दी चलो, वरना सुमेरी का शो मिस कर दोगे। हाँ पाको, तुम मुझसे पहले ही यहाँ पहुँच गयी। आज मैं सुमिरे अपने सपनों के राजकुमार के बारे में बहुत कुछ बताने वाली है। क्या ये शुरू हो गया? हेलो एवरीवन, आज मैं सुमिरे अपने सपनों के राजकुमार के बारे में बताऊंगी। आजकल देखा जाए तो मेरे उस राजकुमार की सब नकल करने में लगे हुए हैं। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे वो पसंद है जिसकी खुद की पहचान हो। दूसरे शब्द में कहूँ तो सच्चा आइडल वही है जो खुद की पहचान खुद बनाएगा और कभी हार नहीं मानेगा। मुझे नहीं लगता कि सुनने वालों में से किसी ने वो जीन्स पहनी है। ये सब सुनकर क्या तुम शर्मा रहे हो मित्सुओ? हाँ, मुझे ऐसे मत देखो। ये तो बर्डमैन की कॉल है, चलो हमें बुलाया है। चलो चलो जल्दी चलो, जल्दी चलो। उम्मीद करता हूँ इस हेयर स्टाइल के बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। घबराओ मत, सुमिरे का प्रोग्राम हर कोई सुनता है, इसलिए कोई नहीं हंसेगा। लेकिन तुम आज पूरा प्रोग्राम नहीं सुन पाए। कोई बात नहीं, अब हमारे जाने का वक्त है। मुझे बहादुर लड़के बहुत पसंद है, इसलिए तुम ही मेरे आइडल हो, सपनों के राजकुमार हो, परमैन।